हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत पर दिख रहा है। शेयर मार्केट पर इसका असर देखने को मिला है। एक समय 200 अंक तक गिर चुके शेयर बाजार में अभी भी 150 अंक की गिरावट बनी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कच्चा तेल $2.12 प्रति बैरल बढ़ा है और भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपया 72 रुपए के पार है। तो हम आपको बता दें कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो कि बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका और बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रणय हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। प्रणय, भारत की भी अपनी चिंता है जैसा कि आप कह रहे हैं, और अर्थव्यवस्था इस समय भारत भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ईरान और अमेरिका अगर इस समय आपस में अपने संबंधों को इस हद तक ले जाते हैं कि युद्ध छिड़ जाता है तो भारत के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। शोभना, बिल्कुल भारत के लिए बड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि इस इलाके में भारत की न केवल आबादी, बड़ी आबादी रहती है, बल्कि भारत के आर्थिक हित भी इस पूरे इलाके से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो ऐसे में भारत की चिंताएं लाजमी, और शायद यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 2 बजे होने जा रही है, जिसके अंदर पेट्रोलियम मिनिस्टर और सूचना प्रसारण मंत्री आएंगे, और ऐसे में ये कोशिश होगी बताने की, समझाने की, क्योंकि भारत के बाजार के अंदर जिस तरीके से पैनिक हो रहा है, सेंसेक्स जो है वो घट रहा है, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। ऐसे में भारत में जो चिंताएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको बताने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जाएगी। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें शोभना, तो भारत ने अपनी ऑयल बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है।